आज नेपाल वुमेन्स वर्सेस मलेशिया वुमेन्स का जो मुकाबला था उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो हुई और नेपाल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी गजब की रही। अगर नेपाल के वुमेन्स टीम की बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर कविता कुमार ने 31 बॉलों के अंदर 23 रन बनाए, इंदु वर्मा जो कैप्टन है उन्होंने 37 बॉलों के अंदर 29 रन बनाए, रूबीना छेत्री ने 18 बॉलों में 20 रन बनाए, डोली भट्टा ने 14 बॉलों के अंदर 25 रन बनाए और इसी प्रकार रन बनाते हुए स्कोर जो है नेपाल वुमेन्स का वो था 115 रनों पर 6 विकेट। उसके बाद बारी आती है नेपाल की बॉलिंग की और उसके अंदर थोड़ी सी जो गलतियां हैं वो यहां पर नज़र आती हैं क्योंकि नेपाल एक जो बैट्समैन है मलेशिया का उनको आउट नहीं कर पाते हैं और वो सबसे ज़्यादा घातक साबित होते हैं नेपाल वुमेन्स टीम के लिए, क्योंकि यहां पर एकता जो एलएस थी उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, उन्होंने 64 रन बनाकर जो है वो नेपाल वुमेन्स टीम को पछाड़ दिया। नेपाल ने 115 रन बनाए और वहीं पर मलेशिया ने 116 रनों से अपनी जीत हासिल की। उसके अंदर अगर बात करें लास्ट ओवर के अंदर तो लास्ट ओवर के अंदर उनको 6 बॉलों के अंदर 13 रन चाहिए थे, लास्ट में 6 बॉलों के अंदर 13 रन उन्हें चाहिए थे। और यहां पर अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हुई क्योंकि पहली बॉल के ऊपर चौका लगाते हैं मलेशिया के बल्लेबाज और दूसरी बॉल खाली जाती है, तीसरी बॉल के ऊपर फिर से एक चौका लगाते हैं और अब जो मलेशिया की बैट्समैन थी उनको चाहिए थे 3 बॉलों के अंदर 3 रन। अगली ही बॉल पर फिर से 2 रन लेते हैं और उससे अगली बॉल पर 1 रन लेकर मलेशिया इस मुकाबले को जीत लेता है। ये मुकाबला जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टक्कर थी इस मुकाबले के अंदर। अगर लास्ट ओवर अच्छी तरह से डाला होता तो शायद नेपाल जो है वो अपने नाम अभी जीत की ट्रॉफी ले लेता। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मैच के अंदर गलतियां किसकी थी, बॉलर्स की, बैट्समैन की, या फिर गलती किसी की नहीं थी? अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे हमारे लिए नेपाल की बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज़ के साथ।